हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। This is Yash, your TechMate। और दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओप्पो की तरफ से इंडिया में लॉन्च होने वाले नए स्मार्टफोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ओप्पो की तरफ से ओप्पो K सीरीज का नया स्मार्टफोन ओप्पो K11 बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है। ये जो स्मार्टफोन है प्रोबेबली अगस्त के फर्स्ट वीक में चाइना में लॉन्च कर दिया जाएगा एंड उसके कुछ ही दिनों बाद आपको ये स्मार्टफोन इंडिया में भी देखने के लिए मिलेगा। टेंटेटिव स्पेसिफिकेशंस लगभग सारे लीक हो चुके हैं। आज की वीडियो में बात करते हैं ओप्पो K11 से जुड़ी सारी चीजों के बारे में, क्या क्या पॉसिबल स्पेसिफिकेशन यहाँ पर आपको मिल सकते हैं, क्या कुछ फीचर्स मिल सकते हैं, किस प्राइस पॉइंट पर इंडिया में लॉन्च हो सकता है एंड क्या इस स्मार्टफोन का आपको वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सारी चीजें डिस्कस करेंगे बस एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बातचीत को और हमेशा की तरह सबसे पहले बात करते हैं फोन के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के बारे में। बिल्ड क्वालिटी यहां पर आपको प्लास्टिक मिलेगी, प्लास्टिक का बैक रहेगा, प्लास्टिक का फ्रेम रहेगा, ग्लास फ्रंट आपको मिलेगा, प्रॉबेबली यहाँ पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलेगा। सो बिल्ड क्वालिटी प्राइस सेगमेंट के हिसाब से आपको डिसेंट मिल जाएगी एंड डिजाइन की अगर बात करेंगे तो गुड लुकिंग स्मार्टफोन है। बैक पैनल से अगर आप देखेंगे टॉप लेफ्ट में आपको कैमरा सेटअप दिया गया है जहां पर दो कैमरा रिंग्स आपको मिलती है जिसमें 3 कैमरास की हाउसिंग दी गई है। साथ ही में आपको LED फ्लैश देखने के लिए मिलता है, ओप्पो की ब्रांडिंग आपको पीछे की तरफ मिल जाएगी एंड फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो सेंटर पंचोल वाला आपको डिस्प्ले दिया गया है, पतले पतले से बेजल्स रहेंगे, पतली सी चेन आपको देखने के लिए मिलेगी एंड कलर्स की बात करें तो ग्रे कलर में आपको फोन मिलेगा एंड ग्रीनिश ब्लूइश कलर में भी आपको फोन देखने को मिलने वाला है। तो दो कलर ऑप्शन रहेंगे, दिखने में स्मार्टफोन बढ़िया रहेगा, बिल्ड क्वालिटी आपको डिसेंट मिलेगी, बिल्ड एंड डिजाइन में आपको शिकायत नहीं आने वाली है। बात करेंगे डिस्प्ले के बारे में तो 6.7 इंचेस का बड़ा डिस्प्ले यहाँ पर आपको मिलेगा। तो डिस्प्ले का साइज काफी बड़ा है, कंटेंट वॉचिंग में आपको मजा आएगा लेकिन इन एंड फील थोड़ा सा बल्की रहेगा, सिंगल हैंड यूसेज काफी ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा क्योंकि डिस्प्ले बहुत बड़ा है। 6.7 इंचेस का जो डिस्प्ले दिया गया है यहाँ पर आपको फुल एचडी प्लस का रिजोल्यूशन मिलेगा एंड सुपर एमोलेड पैनल मिलेगा। और नॉट ओनली सुपर एमोलेड पैनल मिलेगा, 10 बिट का एमोलेड पैनल यहाँ पर आपको मिलेगा तो कलर्स वगैरह यहाँ पर आपको भरपूर मिलेंगे। 1.07 बिलियन के आसपास आपको कलर्स मिलेंगे, कलर डेप्थ अच्छी रहेगी, व्यूइंग एंगल्स अच्छे रहने वाले हैं, कंटेंट वॉचिंग का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो काफी बढ़िया रहेगा। साथ ही साथ 20:9 का एस्पेक्ट रेशो यहाँ पर आपको मिलेगा, 394 PPI की पिक्सल डेंसिटी मिलेगी, वाइड वाइन L1 का भी सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा, HDR10 प्लस का भी सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा जो कि कंटेंट वॉचिंग के एक्सपीरियंस का आपको और बेटर कर देगा। तो मेरे हिसाब से कंटेंट वॉचिंग के लिए डिस्प्ले बहुत अच्छा है। ब्राइटनेस की अगर बात करेंगे समवेयर अराउंड 1000 निट्स के आसपास आपको ब्राइटनेस भी मिलेगी तो विजिबिलिटी की भी दिक्कत नहीं आएगी, इंडोर विजिबिलिटी आउटडोर विजिबिलिटी दोनों बढ़िया रहेंगी, वहां भी शिकायत नहीं है। प्लस 120 हर्ट्ज का यहां पर आपको रिफ्रेश रेट मिलेगा एंड 240 हर्ट्ज का आपको टच सैम्पलिंग रेट देखने के लिए मिल सकता है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी है भाई साहब, कॉन्टेंट वॉचिंग के लिए डिस्प्ले बहुत अच्छा है, गेमिंग के लिए बहुत अच्छा है, ब्राइटनेस अच्छी है, पैनल अच्छा दिया गया है। सो आई डोंट थिंक डिस्प्ले में आपको शिकायत आएगी, डिस्प्ले क्वालिटी बढ़िया मिलने वाली है। नाउ परफॉर्मेंस की अगर बात करेंगे तो इस फोन को शक्ति प्रदान करेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 782G चिपसेट। अब 782G जो चिपसेट है रिसेंटली हमको OnePlus Nord CE3 में देखने के लिए मिला है एंड चिपसेट काफी अच्छा है भाई। 6 नैनोमीटर पर बना हुआ चिपसेट है, एनर्जी एफिशिएंट है, हीटिंग का इशू आपको कम देगा, हीटिंग के इशू को कंट्रोल करने के लिए यहां पर आपको थर्मल चैम्बर भी देखने के लिए मिलेगा, तो ये अच्छी बात है। रॉ सीपीयू परफॉर्मेंस की अगर बात करेंगे तो 2.7 गीगाहर्ट्ज़ की पीक क्लॉक स्पीड आपको मिलती है, आर्म कॉर्टेक्स A78 वाले कोर्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। सो डे टू डे की परफॉर्मेंस आपको बढ़िया मिलती है, मल्टीटास्किंग आपकी अच्छे से हो जाती है। गेमिंग ग्राफिक्स को संभालने के लिए Adreno 642L GPU यहाँ पर आपको मिलता है जो कि बढ़िया गेमिंग आपको कराता है भाई। गेमिंग तो अच्छी कराएगा ही कराएगा, ग्राफिक रिलेटेड टास्क, वीडियो एडिटिंग, इमेज एडिटिंग, रेंडरिंग, ये सारी चीजें भी काफी अच्छे से करा देता है। सो गेमिंग ग्राफिक्स के लिए भी प्रोसेसर बढ़िया है, साथ ही साथ LPDDR4X RAM यहाँ पर आपको मिलेगा एंड UFS 3.1 वाला स्टोरेज आपको मिलेगा। ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस देखा जाए परफॉर्मेंस में शिकायत आपको नहीं आएगी, परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिलने वाली है एंड स्टेबल परफॉर्मेंस मिलेगी। बात करेंगे कैमरास के बारे में तो 3 कैमरास का सेटअप आपको पीछे की तरफ मिलेगा। प्राइमरी कैमरा रहेगा 50 मेगापिक्सल्स का जहां पर आपको मिलेगा सोनी IMX890 सेंसर। अब ये जो सेंसर है ढेर सारे फोन्स में हमने रिसेंटली देख लिया भाई, सेंसर काफी अच्छा है, इमेजेस काफी अच्छी देता है। 50 मेगापिक्सल्स का प्राइमरी कैमरा OIS के सपोर्ट के साथ में आपको मिलेगा, साथ ही में आपको मिलेगा 8 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 2 मेगापिक्सल्स का छोटू मिलेगा मैक्रो शॉट्स लेने के लिए। 3 कैमरास का सेटअप पीछे की तरफ रहेगा,
रेयर कैमरा से आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 30 FPS पर। एंड सेल्फी कैमरा की अगर बात करेंगे तो फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा मिलेगा एंड सेल्फी कैमरा से भी आप 1080 पिक्सल्स में वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 30 FPS पर। ओवरऑल अगर कैमरा सेटअप की बात करें तो प्राइमरी कैमरा अच्छा है, सेल्फी कैमरा अच्छा है, उसके अलावा भाई साहब कैमरा सेटअप में कुछ बहुत ज्यादा आपको नहीं मिलता है। तो मेरे हिसाब से डिसेंट कैमरा सेटअप यहाँ पर आपको मिलेगा, कैमरा में भी आपको ज्यादा शिकायत नहीं आएगी। बात करेंगे बैटरी के बारे में, 5000 mAh की बैटरी यहाँ पर आपको मिलेगी। 5000 mAh की बैटरी अच्छी बैटरी है भाई, क्योंकि 6 नैनोमीटर का एनर्जी एफिशिएंट चिपसेट है, एमोलेड का डिस्प्ले है, साथ ही में 5000 mAh की बैटरी है, एक दिन से ऊपर का बैकअप ये कॉम्बिनेशन आपको दे देगा, सवा दिन डेढ़ दिन तक का बैकअप नॉर्मल यूसेज पर आप निकाल पाएंगे, तो बैटरी बैकअप में आपको शिकायत नहीं आएगी। चार्ज करने के लिए 100 वॉट की सुपर वूक चार्जिंग यहाँ पर आपको मिलेगी, और सबसे अच्छी बात कि 100 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलेगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चार्जिंग स्पीड तो अच्छी दी गई है, चार्जर इन बॉक्स दिया गया है, तो मेरे हिसाब से बैटरी मॉड्यूल में आपको शिकायत नहीं आएगी, बैटरी मॉड्यूल आपको बढ़िया मिलेगा। चार्ज करने के लिए यूएसबी टाइप सी वाला पोर्ट मिलेगा, 3.5 mm जैक प्रोबेबली यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाला है। सिक्योरिटी प्राइवेसी एंड सेंसर्स की अगर बात करेंगे तो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर रहेगा, फेस अनलॉक का ऑप्शन आपको मिलेगा, शूटर पुटर इधर उधर के सारे सेंसर्स आपको मिलेंगे, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी, लाइट सेंसर, कंपास, सारी चीजें आपको मिलेगी। साथ ही साथ IR ब्लास्टर भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, NFC का सपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा, तो सेंसर्स में भी आपको कमी नहीं आएगी भाई। बात करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में तो एंड्रॉइड 13 के ऊपर आपको फोन मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स, जो कि लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन है, उसी के साथ में मिलेगा आपको ColorOS 13। अब ColorOS की माया कहीं धूप कहीं छाया, वही वाली बात है भाई। तो सॉफ्टवेयर का जो एक्सपीरियंस है मेरे हिसाब से ठीक ठाक रहेगा। वैसे भी UI जो है भाई अपना अपना प्रेफरेंस होता है, किसी को कौन सा पसंद आता है, किसी को कौन सा पसंद आता है, किसी को UI पसंद नहीं रहता भाई, स्टॉक एंड्रॉइड पसंद रहता है, तो UI तो भाई अपनी अपनी पसंद है। तो ColorOS मेरे हिसाब से ठीक ठाक आपको एक्सपीरियंस देगा, फीचर्स वगैरह आपको अच्छे मिलते हैं, तो सॉफ्टवेयर में आपको शिकायत नहीं आएगी। बात करेंगे स्पीकर्स के बारे में तो डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी यहाँ पर आपको मिलेंगे, मतलब ऑडियो क्वालिटी भी यहाँ पर आपको काफी अच्छी मिलेगी, ऑडियो क्वालिटी में भी आपको शिकायत नहीं आएगी। मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस फोन का अच्छा रहेगा, क्योंकि डिस्प्ले अच्छा है, स्पीकर्स अच्छे हैं, तो आउटपुट काफी अच्छा आएगा। ओवरऑल मूवीज वगैरह देखने में आपको मजा आएगा। एंड कार्ड स्लॉट की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको हाइब्रिड कार्ड स्लॉट देखने के लिए मिल सकता है, जहां पर 2 सिम कार्ड आप लगा सकते हैं या फिर 1 सिम कार्ड निकाल करके मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्पेसिफिकेशंस अच्छे हैं, स्पेसिफिकेशंस काफी अच्छे हैं, फोन भी काफी अच्छा है, लेकिन मिलता जुलता फोन इंडिया में ऑलरेडी अवेलेबल है भाई। OnePlus Nord CE 3 और Oppo K11, कोई बहुत ज्यादा बड़े डिफरेंसेस नहीं होने वाले हैं, केवल चार्जिंग स्पीड का डिफरेंस रहेगा, बाकी ऑलमोस्ट Oppo K11 जो है वो OnePlus Nord CE 3 जैसा ही रहने वाला है। Nord CE 3 में 80 वॉट की चार्जिंग थी, यहाँ पर आपको 100 वॉट की चार्जिंग मिलेगी, बाकी सारी चीजें लगभग सेम मिलने वाली है। तो क्या आपको Oppo K11 का वेट करना चाहिए? देन आई वुड से नो, क्योंकि भाई साहब 80 वॉट और 100 वॉट कोई बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन प्राइस पॉइंट में बड़ा डिफरेंस रहेगा। OnePlus का जो फोन है और Oppo का जो फोन आएगा, प्राइस पॉइंट में आपको अच्छा खासा डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। एंड बताया जा रहा है कि Oppo K11 का जो 8+128 वाला वेरिएंट रहेगा, समवेयर अराउंड 28 से 30,000 के आसपास लॉन्च किया जाएगा। अब भाई 28 से 30,000 के आसपास अगर ये फोन लॉन्च करे तो हम 26-27,000 में OnePlus Nord CE 3 ना खरीद ले, जिसमें केवल 20 वॉट की चार्जिंग कम दी गई है, बाकी सारी चीज आपको बढ़िया मिल जाती है, प्लस ऑक्सीजन OS का एक्सपीरियंस भी आपको मिलता है। तो मेरे हिसाब से ये जो फोन है अच्छा फोन है, लेकिन इंडिया में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ये जो स्मार्टफोन है अगर इंडिया में आता भी है तो भी भाई साहब इसका कोई वेट करने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। OnePlus Nord CE 3 अगर आप परचेस करेंगे, मेरे हिसाब से बेटर परचेस रहेगी। आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, कैसा है स्मार्टफोन, कैसे हैं स्पेसिफिकेशंस, क्या ये स्मार्टफोन आप खरीदना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, कमेंट करके अपनी राय जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो प्लीज मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें, ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें, ताकि हमारे फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। दिस इज यश साइनिंग ऑफ, बाय-बाय।